Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your history teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, today we are going to learn about the characteristics of Chinese architecture. हम इनकी सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे और हमने पढ़ा कि ये इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस. चाइना में ये आबाद थी और ये सिविलाइजेशन आज तक मौजूद है. सो इनका आर्किटेक्चर कैसा था, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट टुडे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम नोट करें तो ये जो इनका एक आर्किटेक्चर है जो कि बहुत फेमस है और अक्सर जब भी चाइना की बात की जाए तो इनमें से वॉल ऑफ चाइना को छोड़कर कुछ ये एंशियंट बिल्डिंग्स दिखाई जाती हैं. सो इनमें ये वुडन जो कंस्ट्रक्शन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत फेमस है. और ये जो है रिनाउंड जिंगजियान वुडन पगोडा जो है ये 1056 में जो है बिल्ड किया गया था. इट इज टोटली मेड अप ऑफ वुड. सी हाउ लॉन्ग इट इज मेड इन अ सर्कुलर वे. ओके, नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स दैट, द एंशियंट चाइनीज बिल्डिंग्स वर प्राइमरीली सिंगल स्टोरी. ये सिंगल स्टोरीज होते थे लेकिन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी बनाई जाती थी जिनमें टेम्पल्स और पगोडास जो है दे वर यूज टू मेक मल्टी स्टोरी. और इसके अलावा जो मिलिट्री स्ट्रांग होल्ड है उनको भी जो है वो मल्टी स्टोरी बनाया जाता था. इसके अलावा बिल्डिंग्स जो है ये अर्बन बिल्डिंग्स भी हुआ करती थी ताकि इन्वेजन को जो है ये विदस्टैंड कर सकें और प्रोटेक्ट कर सकें बिल्डिंग को. सो दिस वॉज वन ऑफ ऑल्सो द करेक्टरिस्टिक्स. इसके अलावा कलर्स की अगर बात करें तो हमेशा से आप देख सकते हैं इस वीडियो में भी कि कितनी कलरफुल चाइनीज जो है वो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है. टॉप येलो है, देन रेड एंड सेवरल अदर कलर्स आर ऑल्सो यूज्ड इन इट. इट इज ए पैलेस. तो ये क्या चीज को शो करता है कि येलो रूफ कलर्स जो है ये इंपीरियलिज्म को जो है वो शो करती हैं. तो जितने भी पैलेसेस होते थे दे वर यूज टू मेक कलरफुल. और इसके अलावा ये एम्प्रेस को भी सिंबलाइज करते थे, उनकी रॉयलिटी को सिंबलाइज करते थे. रेड कर्व सिरेमिक टाइल्स एंड रेड पेंटेड वुडवर्क पॉपुलर रिप्रेजेंटिंग लक. इसके अलावा जो रेड कलर है वो वुड के ऊपर किया जाता था मैक्सिमम. इनकी बिल्डिंग्स क्योंकि वुड से बनी होती थी और इसके अलावा मिट्टी का इस्तेमाल कुछ किया जाता था तो ये लक को, रेड कलर लक को रिप्रेजेंट करता था. एंड द ग्रीन रूफ टाइल्स वर आल्सो कॉमन सिग्निफाइंग वेल्थ एंड हार्मनी. इसके अलावा आपको इसमें थोड़ा थोड़ा ग्रीन कलर भी कहीं कहीं यूज हुआ हुआ नजर आ रहा है जो कि वेल्थ और हार्मनी को रिप्रेजेंट करता था. ओके, सो मूविंग ऑन, जो चाइनीज बिल्डिंग्स थी ये ज्योग्राफिकल जो स्ट्रेटेजी है उसको भी बहुत ज्यादा उसके अकॉर्डिंग अडाप्ट करते थे. फॉर एग्जाम्पल जो इन बीजिंग में जो कोर्ट यार्ड बनाए गए हैं दे आर शील्डेड अगेंस्ट हार्श विंड्स एंड डस्ट स्टॉर्म्स. उनको इस तरीके से बनाया गया था ताकि वो डस्ट स्टॉर्म से प्रोटेक्ट रहे. इसके अलावा एक और एग्जाम्पल ये है कि जो नॉर्दर्न चाइना में जितनी भी बिल्डिंग्स या आर्किटेक्चर मौजूद है वो इस तरीके से बनाया जाता है ताकि जो, क्योंकि नॉर्थ जितना ज्यादा नॉर्थ में एक जगह होगी वो उतनी ज्यादा ठंडी होगी तो उनके जो फेस होता था इट यूज टू फेस टूवर्ड्स द साउथ. जितने भी बिल्डिंग्स या घर होती थी वो सदर्न साइड को फेस करते थे ताकि वार्मथ को वो मैक्सिमम जो है वो अपने अंदर ले सके और घर बिल्डिंग्स जो है वो गर्म रहे और इसके अलावा अच्छी सीनरी जो है वो भी इंजॉय की जा सके. इस तरह के जो इस प्रिंसिपल को फैंग शुई प्रिंसिपल कहा जाता है. अपार्ट फ्रॉम दिस ये जो जितनी भी एंशियंट चाइनीज बिल्डिंग्स हैं और आर्किटेक्चर है ये बहुत ही खूबसूरत क्राफ्टमैनशिप को शो करता है. आप देख सकते हैं इस वीडियो में भी कि कितनी बारीकी से लकड़ी के ऊपर काम किया गया है और इनकी मजबूती का आप ये अंदाजा लगाएं कि ये बहुत कदीम जमाने से ये बिल्डिंग्स जो है वो चली आ रही हैं. अब इसकी कुछ वजूहत ये है कि क्योंकि चाइनीज सिविलाइजेशन जो है ये कंटिन्यू रही है और ये प्रेजेंट तक मौजूद है तो इन्होंने प्रिजर्व किया है इन बिल्डिंग्स को एहतियात के साथ. इसके अलावा ये वजह आप ये चीज देखें कि इनकी विदस्टैंडिंग होने की वजह से और इनकी मजबूती की वजह से और इनके इतने बेहतरीन हालत में मौजूद होने की वजह से आप ये नहीं बता सकते कि ये कितनी पुरानी है बिल्डिंग. अब इसे आप स्ट्रक्चर को अगर देखें तो इट लुक्स ऑलमोस्ट न्यू. इसको इतने खूबसूरत तरीके से प्रिजर्व किया गया है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दीज वर सम ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइनीज आर्किटेक्चर. फॉर द प्रैक्टिस यू कैन डाउनलोड दिस वर्कशीट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो और यू कैन गेट इट इन प्रिंट फ्रॉम बायो टीचर. सो पॉज द वीडियो एंड क्विकली फिनिश द वर्कशीट. I hope everybody has finished the worksheet. So my dear students, now quickly note down the homework. You will complete this project. Either you can do it in the class or teachers can give it as the homework. So further,
इन द होमवर्क यू विल कंप्लीट एक्सरसाइज थ्री एक्सरसाइज थ्री एंड क्वेश्चन नंबर वन. सो माई डियर स्टूडेंट्स, दिस वॉज योर होमवर्क. आज हमने चाइनीज आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा. आई होप यू हैव एंजॉयड एंड कंप्लीटली अंडरस्टूड द लेसन. सो कीप एवरीबडी अराउंड यू सेफ. हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह.